और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फुल फॉर्म इन कंप्यूटर। कंप्यूटर सब्जेक्ट की बहुत सारी फुल फॉर्म होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप कॉपी पेन लेके बैठना, साथ साथ सारे नोट भी करना। सबसे पहले है स्टूडेंट कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल या ट्रेड एजुकेशन रिसर्च। इसका मीनिंग्स है कंप्यूटर ऑपरेटिंग ऑपरेट करने वाली चलाने वाली मशीन होती है जिसका यूज ट्रेड व्यापार में, टेक्निकल में, एजुकेशन शिक्षा में, रिसर्च खोज करने के लिए किया जाता है। साइंटिस्ट लोग रिसर्च में कंप्यूटर को यूज करते हैं। सेकंड है हमारी स्टूडेंट बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंप्यूटर के पार्ट होते हैं सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है स्टूडेंट ओएस। ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओएस से भी बोल सकते हैं या ओएस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यूपीएस। देखिए स्टूडेंट, यू से अनलिमिटेड, अनट्रैक्ड, अल्ट्रा, तीनों में से आप कोई भी एक याद रख सकते हो, अल्ट्रा पावर सप्लाई। नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जैसे हमारी एलसीडी होती है, जब आप उसको टच करते हो तो उसमें जब आप टच करके हाथ उठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लिक्विड उठ रहा है, तो वो लिक्विड डला होता है स्क्रीन में, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है स्टूडेंट NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और नेक्स्ट है स्टूडेंट FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है स्टूडेंट PROM। पी से होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है स्टूडेंट HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है स्टूडेंट FDD, फ्लोपी डिस्क ड्राइव। KBD, KBD की फुल फॉर्म होती है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है। IO, इनपुट आउटपुट। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है स्टूडेंट BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या विजिबल डिस्प्ले यूनिट। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए स्टूडेंट, कीबोर्ड माउस के टू टाइप्स होते हैं या दो प्रकार के हैं। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, एक PS2 होता है। PS2 हमारी गोल होती है, पर्सनल सिस्टम। पेन ड्राइव हमारी USB होती है। नेक्स्ट है VGA, वीडियो या विजुअल ग्राफिक्स अडाप्टर। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क।
वन वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, HLL हाई लेवल लैंग्वेज और LLL लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नेक्स्ट है MBPS मेगाबाइट्स पर सेकंड, KBPS किलोबाइट्स पर सेकंड। नेक्स्ट है स्टूडेंट HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड साइज। नेक्स्ट है स्टूडेंट URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, JPG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप या ज्वाइंट फोटोग्राफिक इमेज ग्रुप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो स्टूडेंट्स आज हमारी ये इतनी फुल फॉर्म थी। आज की क्लास का टॉपिक यहीं तक होएगा। आपको किसी भी फुल फॉर्म के बारे में पूछना है आप पूछ सकते हैं। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।